ड्रेकस डुप्लेसी ने इजराइल अडेसानिया को फोर्थ राउंड में रियर नेकेड चौक से सबमिट कर दिया और अपना पहला सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस कर लिया है। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, मैंने आप लोगों को कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर थिंकिंग दैट इजराइल अडेसानिया कैन कम बैक एंड बीट ड्रेकस डुप्लेसी, बट ही बीट इजराइल अडेसानिया एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि ड्रेकस डुप्लेसी ने एक चीज प्रूव की है कि जिनको डीप नॉलेज है एमएमए की, यूएफसी की, दे कैन गेट इट राइट। आप लोगों को पता है कि इंडियन सर्कल के अंदर इतने ज्यादा यूट्यूबर्स नहीं है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं जो stake.com वगैरह पर पैसे लगवा देते हैं और फिर ऐसी बैट बताते हैं जिसमें हारना जो है लाजमी हो जाता है। आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, लेकिन अगर कोई टारगेट हो रहा है तो यहां पर रिजल्ट जो रहा वो मेन इवेंट में रहा जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। स्टिल नॉक्स ने क्या किया, सबमिट कर दिया इजराइल अडेसानिया को, और ऐसा पहली बार हुआ है यूएफसी की हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि अडेसानिया को सबमिट करने के लिए एक प्रॉपर स्किल सेट चाहिए। पहले तो मैच करना पड़ेगा स्ट्राइकिंग में, स्विच स्टांस करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, उसके अलावा यू हैव टू ईट वन टू डिलीवर वन, यानी कि आपको शॉट्स खाने पड़ेंगे एक लैंड करने के लिए। तो यहां पर ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा उसमें इंप्रूवमेंट हो सकती थी ड्रेकस डुप्लेसिस के, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस से आई एम सो हैप्पी। एंड नाउ आप लोग जो यूएफसी की वीडियोस हिंदी में देखते हो, एनालिसिस देखते हो, जब आप लोग एनालिसिस देखें तो हमारे चैनल को जरूर जो है फॉलो करें। 5 में से 3 जो है बिल्कुल राइट हुई हमारी, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन द मेन एंड द ब्रेकिंग न्यूज इज इजराइल अडेसानिया हैव लॉस्ट अगेन एंड नाउ ड्रेकस डुप्लेसी हैव सीमेंटेड हिज लेगेसी इनटू द यूएफसी इन मिडल वेट डिविजन। नाउ न्यू एरा हैज बिगन और अब देखना यह है कि डीडीपी और स्ट्रिकलैंड की फाइट कैसी होती है। तो इस वीडियो को ना सिर्फ लाइक करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करना है कि आप लोगों को यह फाइट कैसी लगी। और देखा, कर दिया ना चौक, कह रहा था ना मैं ये बात। टेक केयर, ख्याल रखें।